कहा कि तीन चीजें जो रद्द नहीं करनी चाहिए। पहली चीज है तकिया, जो तुम्हें दिया जाता कबूल कर लो, ले लो, उस पर टेक लगा के बैठ जाओ। दूसरी चीज का दोहन, खुशबू, प्यारे नबी को बहुत पसंद थी खुशबू। कोई भी इत्र आपको देता है कबूल करो, रद्द ना करो। और खुशबू देने का तरीका ये, खुशबू हदिया करने का, जरूरी नहीं कि कोई आपको पूरी बॉटल ही दे। कोई शख्स एक मरतबे आपको खुशबू लगाने की पेशकश करता है, उसे भी कबूल करो, उसे भी एक्सेप्ट करो। जरूरी नहीं कि पूरी बॉटल ही हम तक चल कर आए, एक मरतबा भी कोई हमें कोई खुशबू लगाता है तो कबूल करना चाहिए। और तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लबन, दूध। दूध अगर हदिये में आता है, वो दौर गुर्बत का दौर था, फक्र फाके का दौर था, दूध बहुत बड़ी नेमत थी। और हजरत सहाबियात, हजरत सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वक्तन फवक्तन आपके घरेलू हालात को और आपकी भूख को मद्देनजर रखते हुए ये दूध का हदिया भेजा करते थे और आप कबूल किया करते थे। तो आपने कहा कि हदिये में दूध आए तो दूध को कभी रद्द ना किया करो।